नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज, आप देख रहे हो चैनल द सोर्स ऑफ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर 7, द चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन पार्ट 1। तो सबसे पहले हम सोर्सेज के बारे में जानते हैं, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में हमें कहाँ से पता लगा। तो ये पीरियड था 14th to 17th century के बीच का समय। उस वक्त यूरोपियन कंट्रीज अपने रिकॉर्ड्स को अच्छी तरह मेंटेन करती थी, सेकेंड पॉइंट। और उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हो गया था और वो बुक्स की छापने बहुत तेज गति पर चल रही थी। और पेंटिंग्स टेल्स अबाउट देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन के बारे में हमें बताती थी। और जो बिल्डिंग्स थी लाइक चर्च और यूनिवर्सिटीज़, और उसमें यूनिवर्सिटी में जो बुक्स टाइपिंग करी गई थी, चर्च में जो आर्ट करी गई थी, आर्किटेक्चर वहाँ बनाया गया था, उसकी वजह से हमें पता लगता है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में। और जो म्यूज़ियम है यूरोप एंड अमेरिका के, वो इस समय मतलब 21st century में उनके पास आर्ट गैलरीज उन्हें प्रिपेयर करी हुई है या म्यूज़ियम में रखी हुई हैं आर्ट उस समय की। एक दूसरा ये है हमारे पास जिससे हमें पता लगता है इन चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ कि ये रेनेसेंस चीज़ क्या थी, या जो चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन था ये था क्या। तो सबसे पहले हम शुरू करने से पहले रिवाइवल मतलब जान लेते हैं। रिवाइवल मतलब होता क्या है? रिवाइवल होता है इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ समथिंग। तो हम रेनेसेंस का मतलब जानेंगे तो रिवाइवल ऑफ द ग्रीक एंड लैटिन कल्चर इन द 14th to 17th century, मतलब जो इम्प्रूव करी गई जो ग्रीक और लैटिन जो कल्चर था यूरोप का 14th to 17th century के बीच में। और ये वो समय था जिसके अंदर यूरोपियन जो कंट्रीज थी वो वापस राइज करना शुरू हो गई थी, क्योंकि जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर या रोमन एम्पायर जब गिरा और फ्यूडल बॉन्ड्स जब शुरू हुआ तो उसके बाद यूरोपियन पूरी तरह से तबाह हो चुका था। और इसने हेल्प किया इटली को और यूरोप को अगेन पावरफुल बनने में। तो रीज़न क्वेश्चन उठ के आता है कि क्या रीज़न थे जिसके वजह से सबसे पहले रेनेसेंस इटली में आया। तो मेन माना जाता है वो है ज्योग्राफिकल लोकेशन। आपने इटली को कभी मैप पे देखा होगा, वो मेडिटेरेनियन सी के पास है और मेडिटेरेनियन और इटली बिटवीन है वेस्ट ईस्टर्न रोमन एम्पायर एंड इस्लामिक एम्पायर, जिसकी वजह से उनके ट्रेड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। और उस समय 14th to 17th century के बीच में जो पोप की पावर थी वो गिर चुकी थी बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से भी हेल्प मिली रेनेसेंस को राइज होने में। सिक्स पॉइंट, मैनी सिटीज बिकम इंडिपेंडेंट लाइक फ्लोरेंस एंड वेन्स। मेन रीज़न माना जाता है इनके इंडिपेंडेंस होने का, क्योंकि जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर गिरा उसके बाद 14th to 17th century तक लोग वापस रिच होना शुरू हुए, उसकी वजह से पावरफुल जो किंग थे उनकी राइज होना कम हुआ और उनकी पावर गिरी, इसकी वजह से इंडिपेंडेंट सिटीज बनी। ये कुछ मेन कारण थे जिसकी वजह से रेनेसेंस फैला। अब है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब क्या है पहले हम जान लेते हैं कि ह्यूमन बींग की जो फीलिंग है और उसके आइडियाज हैं उसको इंक्रीज करना, ना कि पॉप और गॉड से डर के नीचे बंधे रहना। जो ह्यूमनिज्म को ये समझाना लोगों को इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो रिलीजियस टॉक्स थी वो सब कुछ नहीं सिखा सकती थी, मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी खासकर स्टूडेंट्स के लिए। तो जो ह्यूमनिज्म की मेन टीचिंग मानी जाती है कि लाइफ ऑन द अर्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लाइफ आफ्टर डेथ। लाइफ ऑन द अर्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लाइफ आफ्टर डेथ, मैंने डेथ यहाँ लिखा नहीं, टाइप करना भूल गया मैं, तो यहाँ पे आप लिख लेना। तो इस टीचिंग को ये इसलिए सिखाएगी क्योंकि जब पॉप की पावर जब राइज थी, मतलब उसकी इंक्रीज थी उसकी पावर पॉप की, उस वक्त उनको लोगों को बोर्ड डराया जाता था और कहा जाता था तुमने इस वक्त पाप किए या सिन किए तुम स्वर्ग में जाके अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। इसलिए ये आइडिया फैलाना जरूरी था कि लाइफ ऑन द अर्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लाइफ आफ्टर डेथ। और इसके लिए ह्यूमनिज्म फैलाने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खोली गई जैसे फ्लोरेंस और वेंस के अंदर। और पर्पस ऑफ एजुकेशन था कि मेक मैन अ कम्प्लीट मैन एंड हैप्पी मैन, और उसको ये सिखाया जाना कि एक वेल्दी मैन और एक इंजॉइंग लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है। अब ह्यूमनिस्ट फैलाने के लिए जो ह्यूमनिस्ट आए उनके नाम क्या थे? पहला था साइक्रो, फिर डेनेट आए, फिर मेन इंपॉर्टेंट पैट्रिक और थॉमस मर। पैट्रिक माने जाते हैं फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, और थॉमस मर ने एक वर्ड दिया, एक टर्म दी उत्पीयन, उसका मतलब होता है इमेजिन प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, जो अभी भी कभी भी साबित नहीं हो पाया या कभी हो नहीं सकता है फ्यूचर में, कि एक जगह जिधर सब कुछ परफेक्ट हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है साइंस के बारे में कि रेनेसेंस ने क्या कंट्रीब्यूट किया रेनेसेंस के अंदर।
जो ग्रीक और रोमन और या लैटिन की जो लैंग्वेज थी वो मॉन्क्स और क्लैरिकल मैन को मेनली पता थी मिडल एज तक, मगर उन्होंने इस ग्रीक और रोमन की और लैटिन जो लैंग्वेज है उसको फैलाने की कोशिश नहीं करी। मेन रीज़न यह था, अगर वो ग्रीक और लैटिन की वो लैंग्वेज समझ जाते तो वो गॉड की तरफ कम जाते या वो रिलीजन की तरफ कम ध्यान देते और वो ज़्यादा जाते जो ग्रीक्स की लिखी जो एशियंट जो स्कॉलर्स ने जो बुक्स लिखी हैं उनकी तरफ। तो 14th सेंचुरी में जो ग्रीकर्स थे उन्हें बहुत ट्राई किया कि ट्रांसलेट कर ले किस तरह भी वो ग्रीक और लैटिन वर्क, मगर उनके संभव ना हो पाया। फिर उन्होंने अरब्स की जो बुक्स को उठाया और उसको ट्रांसलेट किया अपनी लैंग्वेज में। अरब्स की बुक्स को इसलिए किया क्योंकि जो अरब से कई साल पहले उन्होंने ग्रीक और लैटिन एंड इंडियंस की बुक को कन्वर्ट कर लिया था अरेबिक लैंग्वेज में, और जो कुछ फेमस ग्रीक स्कॉलर्स थे लाइक प्लेटो और एरिस्टोटल उन्होंने बुक लिखी जैसे मेडिसिन एस्ट्रोनॉमी एंड केमिस्ट्री, और मैथमेटिक्स पे भी लिखी थी। और अरब से उन्होंने इंडिया से 5 तरह की कहानी भी डेवलप करी, एस्ट्रोनॉमी लिया इंडिया से। और फिर जो साइंटिस्ट जो मेन माने जाते हैं, स्कॉलर जो मेन माने जाते हैं, पहले आता अपने कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सबसे पहले प्रूफ किया कि अर्थ सेंटर नहीं है यूनिवर्स का, और उसने कहा कि अर्थ प्लैनेट रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, और उसने अपनी जो बुक थी उसने पब्लिश नहीं करी, उसका डर था अगर वो पब्लिश करता तो पोप उसको मरवा सकता था। और केपलर जो कोपरनिकस के बाद आया इसने इस थ्योरी को और आगे प्रूफ किया। फिर जब गैलीलियो आया उसने सारी जितनी जो बातें उठती थी कि कोपरनिकस झूठ बोल रहे हैं वो सारी बातें उसने दबा दी, मिट्टी में गेर दी एक तरह का, क्योंकि उसने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया और उसने दिखाया कि अर्थ सेंटर नहीं है यूनिवर्स का। लास्ट में न्यूटन सर आए, न्यूटन सर ने ग्रेविटेशन ऑफ लॉ दे दिया, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं थी। और इसलिए जो ग्रीक की जो साइंस है या स्कॉलर्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही फेमस है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो लोगों को इंस्पायरेशन कहाँ से मिली, जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर या रोमन एम्पायर जब गिर चुका था, जो ये जो आर्किटेक्चर थे या आर्ट्स पर्सन थे उन्होंने रियून सिटी मतलब जो डिस्ट्रॉय सिटी थी रोमन की, रोमन एम्पायर की, उसको उन्हें जब खोदने के बाद जो सामान अंदर से बाहर निकला या उनको जो पुरानी सिटीज़ देखी तो उनको इंस्पायरेशन मिली, कि क्योंकि जो रोमन एम्पायर की जो आर्ट है वो अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उन्होंने चेंजेस क्या किए आर्ट के अंदर, उन्होंने ऑयल एज ए मीडियम पेंटिंग में यूज़ करना शुरू किया, जिसको हम ऑयल पेंटिंग्स भी कहते हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ, ऑयल पेंटिंग के यूज़ करने की वजह से जो रिचनेस ऑफ पेंटिंग की बढ़ गई, ह्यूमन फिगर्स, बर्ड्स, नेचुरल ब्यूटी बिकेम मोर पॉपुलर। और जो कुछ फेमस पेंटर थे जैसे विंची, न्यूलाडो विंची के बारे में आपने बहुत सुना भी होगा, इस पेंटर के बारे में इनने एक पोर्ट्रेट या एक पेंटिंग बनाई थी मोनालिसा के बारे में। फिर पोर्ट्रेट बहुत फेमस है, जो ये जो पर्सनस थे उन्होंने ह्यूमन बॉडी की स्टडी करना शुरू किया, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। इससे हेल्प क्या हुई, जो पेंटर्स थे उनको पोर्ट्रेट बनाने में बहुत ज़्यादा इजी हुआ, क्योंकि वो हड्डियों के ढांचे को समझ रहे थे किधर कौन सी हड्डियाँ, इसकी वजह से जो उनके फेस या जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्ट बन रहे थे। और फ्लोरेंस और मेन सेंटर बने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के। और जो रिच पीपल थे उन्होंने अपना बिल्डिंग्स को रिन्यू कराना शुरू किया क्लासिकल डिज़ाइन के अंदर, और जो सेंट पीपर चर्च है इसका एग्जाम्पल है, ये बहुत सुंदर चर्च है आज तक। और जो स्कल्पचर्स हैं लाइक जीसस और मदर मोरी के बनाना शुरू किया। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको हिस्ट्री के कौन से चैप्टर पहले चाहिए। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत।